सुना दीजिए कौन से गाना है। अरे सही सही तुम गा दो, सही सही तुम गा दो, सही तुम गा दो, सही गा दो, हर दो मिनट पर पानी पीते, तीसरा मिनट पिसाब करने जाते हैं। तो इसी में बहुत अच्छा रहता, जाना आना पड़ता है, बहुत कष्ट है। अच्छा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज आप लोग से कनेक्ट काफ़ी दिनों बाद हो रहा हूं, क्योंकि लास्ट ब्लॉग वही हमारा आपको आया था देवघर वाला, उसके बाद ब्लॉग नहीं आ पाया था बिकॉज आपको पता है जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली टाइम निकाल चुका आप लोगों के लिए, और बिना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं करूँगा क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, इसलिए बहुत शॉर्ट तरीके से सारी बातों को बताना चाहूँगा। तो सफ़र करते हैं स्टार्ट, चलते हैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने, उसके बाद आगे और भी बहुत सारे प्लान हैं, आपको बहुत लंबा होने वाला है, बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत जगह घुमाएंगे आपको। पहले तो पहला डेस्टिनेशन हमारा माता वैष्णो देवी का मंदिर है, पहले माता का दर्शन करेंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे कश्मीर। जैसे जैसे होगा रास्ते में सफ़र, वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। फिलहाल चलते हैं, अभी सीतामढ़ी स्टेशन पर हैं, टाइम हो चुका है 5:19 जो कि आप देख रहे हैं, और ट्रेन थी 4:55 की हमारी, वो कामाख्या एक्सप्रेस जो कि आपको जाती है डायरेक्ट कटरा तक, कामाख्या से कटरा तक, बट ट्रेन है 1 घंटे लेट, जिसकी वजह से हो चुका है 5 बज गया, तो ट्रेन अब आएगी 6 बजे, लगभग 1.5 घंटे का लेट चल रहा है ट्रेन, बट कोई नहीं। और ये सफ़र और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये सफ़र मेरा सोलो का नहीं है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फुल फैमिली ब्लॉग है, और फैमिली ट्रिप पे है, और ट्रिप पे हमारी माता रानी हमारे साथ है, और पिताजी भी हैं, पिताजी बैठे हैं, पिताजी किधर गए, लगता है पिताजी गायब हो गए, अपना खुराक लेने गए हैं, और फुल फैमिली ट्रिप है, मम्मी पापा हम तीनों को ही जा रहे हैं वैष्णो माता मंदिर। तो चलिए फिर पूरा ट्रेन एक्सप्लोर करेंगे, कामाख्या सफ़र कैसा है हमारा, बने रहिए पूरे ब्लॉग में, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि फुल फैमिली के साथ जा रहा हूँ, पहली बार ब्लॉग बना रहा हूँ फैमिली ट्रिप पे, क्योंकि अभी जनरली जहाँ भी जाता था सोलो जाता था, बट पहली बार फैमिली के साथ जा रहा हूँ और फैमिली ब्लॉग बना रहा हूँ, वो भी लंबा सफ़र पे, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, ट्रेन का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सभी बोलिए जय माता दी, ब्लॉग कैसा लगे कमेंट में लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन में सब जय माता दी लिख के जाएगा। चलिए फिर, तो फाइनली हमारा सफ़र हो गया स्टार्ट, ट्रेन आई है 6:10 और 15 खुल गई, 4 से 5 मिनट का स्टॉपेज था यहाँ पे, ये हमारा कंपार्टमेंट है B1 थर्ड AC में। ट्रेन थोड़ा भी लॉन्ग रूट का ट्रेन है, काफ़ी लंबा चल के आता है, यहाँ लगभग 950 किलोमीटर सीतामढ़ी पड़ता है कामाख्या से, ट्रेन थोड़ा गंदा है, अभी साफ़ सफाई नहीं है उतना ट्रेन में, बट देखते हैं आगे साफ़ सफाई वाले आते हैं करेंगे, वरना मैं कंप्लेन करूँगा, तो आके करेंगे फिर। तो चलिए फिर सफ़र जारी है, जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। ये कंडीशन है इसके वॉशरूम का, जो आप कंडीशन देख रहे हैं वो ये है, जो इसमें कमोड नहीं है, आपको ये वाला दिया है, नीट एंड क्लीन नहीं बोलेंगे, गंदा है, थोड़ा वास भी मार रहा है, आप देख सकते हैं। ये थर्ड AC से आपको दूसरे कोच में, AC का ही दूसरे कोच में जाने का रास्ता है, जहाँ की आप ये गंदगी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो ट्रेन लॉन्ग रूट का है, बट इधर इतना गंदा स्थिति है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ, इतना गंदा स्थिति है इधर का, बट कोई नहीं, क्योंकि ट्रेन इतना लंबा है कि इसमें आप साफ सफाई का कोई उम्मीद नहीं रख सकते, और कोई साफ सफाई है भी नहीं। अभी कुछ देर पहले कंप्लेन किया हूँ IRCTC केयर में एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, तो आके क्लीन किए हैं सब अभी। अंकल कैसा था जब घुसे थे, तो कैसा था ट्रेन? अब ठीक है ना? तो
थर्ड एसी के बाद अब चलते हैं आपको स्लीपर और फर्स्ट एसी दिखाते हैं कि इस ट्रेन का फर्स्ट एसी और स्लीपर क्या है। जैसे कि आपको साफ सफाई के बारे में दिखाया था कि बहुत गंदगी था, बट कंप्लेन करने पे आके वो सब चीज क्लीन कर गए हैं, बट सिर्फ मेरा कंपार्टमेंट बाकी और सबका हाल नहीं है। पर चलते हैं, देखते हैं स्लीपर का कंडीशन क्या है और फर्स्ट एसी का कंडीशन क्या है। Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mind. Hi. स्लीपर कंपार्टमेंट था जिसका कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल क्या था। लोग कहाँ कहाँ बैठ के सफ़र कर रहे हैं मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए थे स्लीपर में। कोई नीचे बैठे हुए हैं, कोई एक बर्थ पे ही सात आठ आदमी ऐसे करके सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी क्राउडेड प्लस जैसे देखते हैं B4 तक जाएंगे। B4 में हमारी मौसी नरकटियागंज में चढ़ी है क्योंकि काफ़ी सफ़र हमारे साथ ही है माता मंदिर का। तो चलते हैं उनसे मिलते हैं। तो हमारी मौसी श्री और हमारी माता श्री एक नंबर चिप्स का मजा ले रहे हैं। मौसी ना बने लिया मौसी सफर कैसा लग रहा है? मौसी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? मन लग रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तब वैष्णो माता मंदिर का चढ़ाई करना है ना मौसी? अच्छा पीछे का वही आदमी है और 2 मिनट पर पानी पीते 3 मिनट पे साफ करने जाते हैं। हमको तो इसी में अच्छा रहा है, जाना आना पड़ता है जाना पड़ता है कष्ट। अच्छा हम IRCTC वाला कह के बिस्तर पे बनवा देते हैं ठीक है। हल्का टॉयलेट चलता फिरता टॉयलेट। तो गाइज ट्रेन बहुत गंदा है बिकॉज साफ सुथरा नहीं है बिल्कुल। हाँ साफ सुथरा वही है जैसे मैंने कंप्लेन किया, जैसे मैंने पहले ही बताया मेरे बर्थ के पास आए, साफ नीट एंड क्लीन किया, वहाँ पे वो स्प्रे किए फिर चले गए। बाकी मेरे कंपार्टमेंट का पूरा जो B1 का है वहाँ कचरा सब साफ कर दिया और स्प्रे मारा और निकल गए। फिर वही मैं B4 में गया, B4 में सेम वही कंडीशन था, कचरा उसी तरह पड़ा हुआ था जैसे मेरा B1 का कंडीशन था पहले, वैसे ही वो कंडीशन था और वहाँ भी कोई स्प्रे नहीं कुछ भी नहीं, वो कंडीशन था बिल्कुल गंदा। तो इससे यही जाबित होता है कि जिसने जो जहाँ कंप्लेन किया वहाँ पे रिजॉल्व किया गया और कंप्लेन जिसने नहीं किया वहाँ रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो कंप्लेन कैसे होता है और कहाँ से होता है ये लेफ्ट साइड में आपके पास आ रहा होगा, ऊपर में आप देख सकते हो, वेबसाइट से जाके आप वहाँ कंप्लेन रेज कर सकते हैं या फिर आप IRCTC का जो कंप्लेन वाला ईमेल आईडी है care.dat करके जो यहाँ आ रहा होगा आपको ऊपर, उस पर जाके आप मेल भी कर सकते हैं कंप्लेन के लिए। उधर से रिवर्ट में आपको आ जाता है कंप्लेन नंबर, देन रिजॉल्व होती है। तो इस ट्रेन में जो कंप्लेन कर रहा है वहाँ सॉल्व हो रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं हो पा रहा, बट वही है थोड़ा सा हाइजीन को लेके इशू है ट्रेन में, टाइम टेबल साफ सफाई एंड वॉशरूम को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है। अदरवाइज टाइम ठीक है, थोड़ा बहुत लेट था, 1.25 घंटा लेट था, बट वो मैनेज उसने कर लिया, इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। अब जो कि ट्रेन में पहले आपको लिनन के चादर पिलो नहीं मिलते थे वो अब आपको मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चादर पिलो, तो ये सब अब प्रोवाइड हो रहा है ड्यू टू कोरोना, नहीं मिल रहा था कोविड में, बट अब ये सब चीज़ स्टार्ट हो चुका है।
सफ़र काफ़ी लंबा है हमारे, लगभग जो हमारा होम टाउन है सीतामढ़ी वहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर है माता का दरबार कटरा। कल शाम को 4 बजे का टाइमिंग है इसका वहाँ छोड़ने का, देखते हैं कितने बजे छोड़ती है, टाइम के अकॉर्डिंग कितना टाइम देती है उस अकॉर्डिंग बताएंगे आपको। सफ़र आज का अभी तक का बहुत अच्छा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की ट्रेन में पेंट्री भी अवेलेबल है, आप जो भी खाना का ऑर्डर चाहें वो कर सकते हैं, 100, 130, 150 यही रेंज में है, बट हम लोग आपको ये कभी नया फीचर ये आपको ट्रेन में ये है कि मूवेबल लाइट है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये ऑफ हो गया फिर ये ऑन हो गया, ये मूव कर सकते हैं आप। और ट्रेन अभी बरेली से क्रॉस की है, टाइम हो रहा है 9:30, आप देख रहे हैं 9:30 हो रहा है। अभी तक सफ़र काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रहा है और सेकेंड टाइम भी आके इन लोगों ने ट्रेन को साफ़ सफाई किया है। ट्रेन जो डिले थी वो टाइम ऑन टाइम हो चुकी हुई है, बिल्कुल डिले नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टाइम हो चुका है 8 बज चुका है और ट्रेन अभी तक 3 घंटे डिले हो चुकी हुई है। पता नहीं रात को कहाँ पे ट्रेन स्टे किया, कहाँ पे रोका, ट्रेन 3 घंटे डिले हो चुकी है। अभी सहारनपुर क्रॉस किया है और नेक्स्ट स्टेशन अम्बाला है जो कि अम्बाला 10 बजे दिखा रहा है। अदरवाइज़ सफ़र में काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि फैमिली ट्रिप है पहली बार, तो फैमिली के साथ तो अलग ही आनंद आता है। सफ़र पता ही नहीं चलता है, ट्रेन 3 घंटे लेट है फिर भी पता नहीं चल रहा है कि हाँ हम लोग लेट सफ़र कर रहे हैं। सफ़र में सफ़र का कुछ फील ऐसा नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी मेन ब्लॉक तो आपको वहाँ कटरा से माता का है जो कि वहाँ उतरने के बाद, अब देखते हैं कितने बजे उतरती है। ऐसे 4 बजे टाइमिंग थी छोड़ने की, बट अब तो 7 बजे दिखा रहा है, उस अकॉर्डिंग जैसे छोड़ेगा उस हिसाब से हम लोग चढ़ाई करेंगे फ्रेश होकर होटल वोटल ले कर, तो जैसा भी अपडेट होता है बताते रहेंगे ब्लॉग में। बाकी फिर आप व्यू इन्जॉय करो। कैसा लग रहा है अंकल छोला कुलचा? हाँ, अम्बाला का छोला कुलचा कैसा लग रहा है आपको? ठीक है बिना है। बिना दाँतों वाला गुलूर गुलूर कर खा ले। कैसा लग रहा है छोला कुलचा? ज्यादा है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है। मौसी बताएगी, मौसी कैसा लग रहा है छोला कुलचा? बहुत अच्छा, बिना दांतों वाला खा लेगा। समोसी क्या हाल चाल? डांटा ठीक है? ठीक है। अभी तक तो नट्टा नहीं मौसी। क्या दी बाबू, कोई दिक्कत? काम ठीक, एकदम ठीक है ना? सफर सफर में थकान लग रहा है? 30 घंटा होने जा रहा है, कुछ थकान उकान होने का नहीं ना? पापा बताइए, आपका लंबा दूरी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पापा को एकदम चैन से सोते, रात को नींद अच्छा है ना पापा? अभी 4 घंटा और सफर होगा तो अच्छा ही है। बढ़िया, हां मेरे तेरी शान पे सदके है क्या तेरी धूल से बढ़के सही गा दो तुम। मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम
मैं चला दे देखो कैसे कर रहा है मतलब डोंट गास तो जंगल पला हंस दारी मोन कास तो अरे तेरे बाजे विच मोन चकी खले मैं चमकी तरह जान लाया कौन कास तो इन दोनों में जिसका भी गाना आपको अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे हैं क्योंकि काफी फोर्स करने के बाद इन दोनों ने अपना टैलेंट दिखाया, अदरवाइज दिखाते नहीं, सबको टैलेंट ही अपना ठीक है। तो जिनको भी इनका गाना अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे ही पठानकोट से आप आगे निकलेंगे लगभग 20-25 किलोमीटर ट्रेन आगे जाती है तो एक पुल आता है, पुल क्रॉस करने के बाद वो पुल आधा पंजाब में और आधा कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपका नेटवर्क गायब हो जाता है, जैसे कि अभी हमारे फ़ोन का नेटवर्क गायब हो चुका है तो और नेट नहीं चलता है आपका। उसके बाद आपका अगर पोस्टपेड सिम है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपको चलेगा, लेकिन बट अगर आपका प्रीपेड सिम है तो प्रीपेड सिम में नेटवर्क नहीं रहता है और कोई भी कॉल वॉल डाटा वाटा नहीं चलेगा आपका। अभी जस्ट उधमपुर पहुँचे हैं, जम्मू से निकल के उधमपुर पहुँचे हैं। उधमपुर में आप हल्की बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं वेदर और पीछे का नेचर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, पीछे बहुत खूबसूरत है और हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज जो है वो आपको कटरा ही है, माता वैष्णो देवी कटरा ही है हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज। तो अभी उधमपुर तब अंकल कैसा लग रहा है बताइए ना भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना पूरा सफर में, कैसा कैसा व्यू देखे, खतरनाक खतरनाक बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखा अंकल, पूरा मज़ा लेते हुए आ रहे हैं सफ़र का। आई होप सो कि आप सब भी सफ़र बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। सभी सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी मटर, वो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखना।6:47 हो रहा है और फाइनली हम लोग अभी कटरा जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन काफ़ी 2-2.5 घंटे लेट कर दी, इसका 3:45 में पहुंचने का टाइम था और ये पहुंच रही है 6:45 में, इससे आप समझ सकते हैं कितना देर कर चुकी है। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, अब चलते हैं होटल वोटल लेते हैं और फिर फ्रेश होके माता रानी का चढ़ाई करते हैं। तो सभी बोलिए प्रेम से जय माता दी और ब्लॉग में बने रहिए। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट ब्लॉग में माता रानी का आएगा होटल से लेके चढ़ाई तक का। तो इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करते ताकि ब्लॉग को लंबा ना करें, छोटा छोटा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाए। तब तक जय माता दी।